नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। और कल जो आपका टेस्ट हुआ था हिस्ट्री का, उसमें हम लोग देखे थे 51 से लेकर के 100 तक, और 101 नंबर जो प्रश्न का ये जो सवाल कल आप सभी से पूछे थे उसका जो जवाब क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चांद बीबी। प्रश्न था आपका कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो वो थी चांद बीबी। आंसर हो जाएगा राइट आंसर आंसर नंबर सी। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 102 से, ठीक है, 102 से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आज टोटल 100 प्रश्न यहाँ पर इतिहास का देखेंगे, और इसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, जो बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर फटाफट यहाँ पर रिवीजन होते चले जाएगा आपका, है ना। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, मैं सवाल करूँगा, आप लोग उसका जवाब देते चलिएगा। डेली आपका जो क्लास होता है रात में 9 बजे से होता है, तो सभी लोग अपना टाइम निकाल करके 9 बजे लाइव आ जाया कीजिएगा। प्रश्न देखिए 102 नंबर क्या है। प्रश्न कह रहा है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। इसका ऑप्शन है अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या फिर कुतुब मीनार। तो 102 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि चार मीनार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, चार मीनार। अब आपको देखिए कॉमेंट करना है कि चार मीनार आखिर किस राज्य में है। 103 नंबर प्रश्न है टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ खाली स्थान में स्थित है, यानी कि ये जो विजय स्तंभ है टावर ऑफ विक्ट्री जिसे कहते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, आप लोग फटाफट आंसर अपना जवाब देते चले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में है विजय स्तंभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 104। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा खाली स्थान करवाया था, यानी कि दिल्ली में जंतर मंतर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, आप इसका ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा समय 2 सेकंड टाइम देता हूं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 104 नंबर का, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 105 नंबर। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है, और ये जंतर मंतर का निर्माण किसने किया, तो सवाई जय सिंह ने किया था। और ये क्या है आखिर, तो देख लीजिए ऑप्शन, है ना, 1, 2 ए बी सी आपको दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन आपका नीचे है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी, जंतर मंतर दिल्ली में जो है। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, है ना। तो यहाँ छाटना है कि वो कौन सा ऐतिहासिक जगह है जो मध्य प्रदेश यानी कि ग्वालियर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि गोलकोंडा का किला। गोलकोंडा का जो किला है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपका नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 107, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। बताइए चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, चार ऑप्शन दिया गया है, फटाक से अपना जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिसोदिया, तो सिसोदिया की ये राजधानी थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 108। प्रश्न कह रहा है कि कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने एक से अधिक राज्यों में जंतर मंतर का यानी कि शहरों में निर्माण करवाया था, और वो कितने जगह करवाया था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 जगह। तो टोटल 5 जगह इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, महाराजा जय सिंह। 9 नंबर प्रश्न देखिए, गोलकोंडा किला खाली स्थान के दौरान बनाया गया था, यानी कि किस साम्राज्य किस राजवंश के दौरान ये बनाया गया था गोलकोंडा का किला। चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से अपना जवाब दीजिए। तो 109 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, देखिए इसका आंसर आपको नहीं दिया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है कि आखिर गोलकोंडा किला किसके दौरान बनवाया गया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा। तो आज का सवाल यही रहा, क्योंकि यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका जवाब देते हैं, और कल मैं इसका जवाब आप लोग को जब दूसरा जो टेस्ट होगा उसमें मैं इसका जवाब दे दूँगा।
चलिए तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 110 नंबर है कि दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। तो बताइए, अभी देखिए इसके बारे में ऊपर प्रश्न आया था, है ना, इसके तो जस्ट ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खगोलीय वेधशाला। ठीक है, तो ये दिल्ली में जो जंतर मंतर है ये खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 111 नंबर। 111 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे। तो बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले राजा कौन थे विजयनगर साम्राज्य के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि हरिहर प्रथम। हरिहर जो प्रथम थे ये आपको विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे। अगला सवाल देखिए 112 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन है, फटाक से जवाब दीजिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 100 प्रश्न पूरे करना है आपको, तो फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि तेलंगाना। तो गोलकुंडा किला किस राज्य में है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका 113 नंबर कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन था, ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो अंतिम जो मुगल सम्राट था वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ा गया है, है ना, 13 नंबर सवाल का थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। अच्छा 13 नंबर देखता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर पीडीएफ में गड़बड़ी है। हाँ तो अंतिम मुगल सम्राट देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए बाबर, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबको पता होगा, तो बहादुर शाह जो जफर था ये आपका अंतिम मुगल सम्राट था आपका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न की, सॉरी 114 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय का खाली स्थान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, आप देखिए ऑप्शन, और इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हम्पी। तो इसकी राजधानी हम्पी यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका 115 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम कौन सा है। उल्टा सही क्रम आपको बताना है, है ना, मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था उसका उल्टा, उल्टा पूछ रहा है ना, सीधा नहीं पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा बताना है कि अनुक्रम कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसको आप लोग देखिए और सभी ऑप्शन को और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मैं टाइम देता हूँ आपको। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 का आंसर नंबर सी, यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो लास्ट में था आपका, फिर औरंगजेब, फिर शाहजहाँ, फिर अकबर, क्योंकि उल्टा कह रहा है ना, तो ऐसे आप चलिएगा तो ऐसे हो जाएगा आपका, है ना, ये उल्टा कह रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 116 नंबर प्रश्न है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। तो दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही प्रचारित किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 117 खाली स्थान भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे। तो भारत के तीसरे जो मुगल सम्राट थे क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अकबर। अकबर जो थे ये तीसरे मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहला कौन था, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर मुगल सम्राट की, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, काफ़ी आसान प्रश्न है, तो बाबर के द्वारा की गई किया गया था आपका, है ना, प्रथम यही था, फिर हुमायूं आया, और फिर लास्ट तीसरा नंबर आया था अकबर, फिर आया था दूसरे कोई। अगला प्रश्न देखिए 119 नंबर, 119 है कि अकबर की प्रशासनिक सीट थी। तो प्रशासनिक सीट कहाँ थी, यानी कि इसको शहर भी कह सकते हैं, तो प्रशासनिक सीट जो था बताइए अकबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, कहाँ था आपका, दिल्ली, यहीं से ये शासन करता था। नेक्स्ट है आपका जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था, मतलब कि जहांगीर जो था ये कैमा बादशाह था, है ना, मुगल बादशाह, ये कैमा मुगल बादशाह था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी कि चौथा। पहला था अकबर, हुमायूं, फिर आया अकबर, हुमायूं, फिर आया सॉरी बाबर, हुमायूं, अकबर और फिर आया जहांगीर, है ना, उल्टी थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, जहांगीर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 121 नंबर, 121 नंबर प्रश्न है कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान ए खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है।
तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको एक बार और पढ़िए तभी ये प्रश्न समझ में आएगा और इसका फिर जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा वो प्रसिद्ध किला है मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है। तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि आगरा फोर्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 122 नंबर। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, ये तो किसको नहीं पता होगा ताजमहल, है ना, दुनिया का सातवां अजूबा। तो ये जो ताजमहल है इसको किसने बनवाया था, बिल्कुल सही जवाब शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी की याद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको 123 नंबर की। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। तो चार मीनार का निर्माण किया गया था, बताइए क्या होगा आपका 123 का, हो जाएगा आपका प्लेग के लिए, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्लेग। अगला सवाल है 124, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। देखिए चार ऑप्शन आपको दिया गया है, मृत व्यक्ति का स्मारक वो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि चार मीनार। चार मीनार जो है किसी का स्मारक नहीं है, बीवी का मकबरा है, ताजमहल भी है, इतमाद उद दौला भी है आपका। अगला प्रश्न है आपका 125 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। अब फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है, यहाँ कौन सा ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, जल्दी से देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि गोल गुंबज। गोल गुंबज कहाँ पड़ता है, ये बीजा में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए 126 नंबर, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आप लोग फटाफट इसका जवाब देते चलिएगा, है ना। 126 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। तो वो कौन सा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर कुतुब शाही मकबरे, ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। और इसका मैं यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते जा रहा हूँ ताकि आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होते चले, क्योंकि यही प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है ना, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, फिर बाद में आएगा आपका आधुनिक भारत भी। प्रश्न है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा खाली स्थान में है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है मेरे भाई, तो आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में है आपका, है ना, आंसर नंबर बी। सॉरी 128 नंबर प्रश्न है कि महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है 129 नंबर कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। तो हवा महल का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है आपका लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 130 नंबर कि हवा महल का निर्माण किसने किया था। चार ऑप्शन है, फटाक से पढ़िए, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर लीजिएगा। हवा महल का निर्माण किसने किया था, तो आपका हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 131 नंबर कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो किसका निर्माण किया गया था मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, बताइए ए हो जाएगा, जामा मस्जिद, यानी कि दिल्ली में। ठीक है, शाहजहां जामा मस्जिद दिल्ली, है ना, लाल किला का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 132 नंबर कि फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था, बताइए, जो उत्तर प्रदेश में है। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था आपको अकबर महोदय ने, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 133 नंबर कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर ये है आपका अमृतसर में पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि अमृत सरोवर झील में है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर प्रश्न कि मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया। तो मक्का मस्जिद हैदराबाद, ठीक है, किसके द्वारा ये संपूर्ण किया गया था, तो बताइए, चार ऑप्शन, जल्दी से जवाब दें, आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, आंसर नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 135 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सितार के रूप में कह रहा है, तो सितार के रूप में हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमीर खुसरो, आंसर नंबर बी। अगला है आपका
136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर देखिए, निम्नलिखित स्मारकों या स्थानों का उसके सही स्थान के साथ मिलान करना है आपको, ठीक है। एक साइड आपको दिया गया है स्मारक और एक साइड दिया गया है स्थान, ठीक है। तो गोलकुंडा का किला बताइए, बुलंद दरवाज़ा मिलाना है, हुमायूं का मकबरा मिलाना है, रानी का वाव मिलाना है, तो इसको फटाक से आप लोग मिला लीजिए। और इसका देखिए नीचे आपको दिया गया ऑप्शन, और इसका आंसर जो देख दिया गया है आपका आंसर नंबर ए, यानी कि गोलकुंडा का जो किला है ये आपको हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में है, और हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में है, रानी का वाव जो है ये पाटन में है। तो ए बी सी डी ये सिंपल था, आपको मिला लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 137 नंबर। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, तो कौन उसमें शामिल नहीं था बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, एंग्लो बावला। एंग्लो बावला उसमें सम्मिलित नहीं था, एंग्लो और बांग्ला, ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 138 नंबर। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था, तो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किला का निर्माण किया गया था, तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है आपका 139 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में खाली किसके दौरान स्थापित किया था बताइए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में जो स्थापित किया था वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1600 से लेकर के 1612 ईस्वी तक इसका स्थापना किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगला प्रश्न है आपका, सिर्फ अगर 1600 ईस्वी भी मिले तो आपको 1600 मार देना है। अगला प्रश्न है 140 नंबर की, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था बताइए। तो निर्यात करता था कपड़ों का, और वो कपड़ा कौन सा था बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र एवं रेशम का वस्त्र, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 141 नंबर प्रश्न। 141 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो किस आंदोलन में हुआ था। तो आपका देखिए ऑप्शन है चार, जल्दी से इसको पढ़ें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, यानी कि गोवा मुक्ति आंदोलन, आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर। 142 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को खाली स्थान नाम से भी जाना जाता है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जॉन कंपनी, आंसर नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है आपका 143 नंबर। वास्को डिगामा भारत कब आया था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में कालीकट यानी कि केरल में आया था। अगला प्रश्न है आपका 144 नंबर कि 1600 ईस्वी में भारत में व्यापक चौकियों की स्थापना करने के लिए किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया, तो क्या हो जाएगा, किसने अधिकार दिया था। अब चार ऑप्शन देखिए जल्दी से, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसका आदेश दिया था। अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर की, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार कब आए थे, 14वीं 15वीं 16वीं या 17वीं, क्या हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में सबसे पहले वो आए थे। अगला प्रश्न है आपका 146 नंबर की, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, तो स्वतंत्रता से पहले एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं था, तो बताइए, आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका भी आंसर नहीं दिया है और इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। दो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, दोनों का जवाब आप ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है। और ये दोनों का जवाब मैं अगले क्लास में आपको देने का प्रयास करूँगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं इसका जवाब अगले क्लास में दे दूँगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 147 नंबर है कि फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था, तो वास्को डी गामा जो था समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ पर उतरा था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा आपका कप्पक का डाबू केरल में, है ना, ये थोड़ा सा नाम टेढ़ा है आप देख लीजिएगा, कप्पक डाबू केरल में ये उतरा था। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर कि यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक
वास्को डिगामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक वो पहुँचे थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1498 ईस्वी में? तो आंसर हो जाएगा आपका कोचीन, यानी कि कालीकट, यानी कि केरल में, है ना, कालीकट, कोचीन नहीं, कालीकट यानी कि केरल में आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 149 नंबर कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाराणा जो प्रताप थे इनके घोड़े का नाम क्या था? ये सभी को पता होगा, तो इनका घोड़ा का नाम था आपका चेतक, ठीक है, क्या नाम था? चेतक। नेक्स्ट प्रश्न है 150 नंबर कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो पानीपत में तीन युद्ध हुआ था, 1526, 56 और 61 में, 1761 में जाकर तीसरा हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था आपका? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मराठा ने युद्ध किया था। नेक्स्ट है आपका 151 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हो गया था किस संधि के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर प्रश्न, निम्न खाली स्थान भरना है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? तो आपका हो जाएगा आपको हैदराबाद, है ना, हैदराबाद सबसे बड़ा सामंती राज्य था। अगला सवाल है 153 नंबर कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट 154 नंबर खाली स्थान भरना है, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराजा का निवास था, तो बताइए भारत का वो सबसे बड़ा महल कौन सा था? तो वो हो जाएगा आपका मैसूर में, ठीक है, भारत के मैसूर में था वो। नेक्स्ट है आपका 155 नंबर प्रश्न कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ है? मैसूर, बंगलौर, कोलकाता या फिर दिल्ली? तो क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता में है टीपू सुल्तान मस्जिद। नेक्स्ट है 156 नंबर कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी मेरे भाई, ये हुई थी आपका भागीरथी नदी के तट पर, है ना, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो जूट मिल स्वतंत्रता से पहले जो स्थापित किया गया था वो हो जाएगा आपका बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है 158 नंबर, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू की गई थी? तो क्या हो जाएगा, किस राज्य से शुरू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि महाराष्ट्र में ही सबसे पहले शुरू किया गया था पहली यात्री रेलगाड़ी। अगला सवाल है 159 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो पहले आज़ादी के रूप में जो वर्णन किया गया था वो हो जाएगा आपका 1857 का विद्रोह, सबको पता है। अगला प्रश्न देखते हैं 160 नंबर कि सिपाही का विद्रोह खाली स्थान में 1857 में शुरू हुआ था। तो 1857 में ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था, आगरा, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़, कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मेरठ में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 161 नंबर कि ब्रिटिश से पहले हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटिश से पहले रानी लक्ष्मीबाई का जो देहांत हुआ था वो हुआ था आपको ग्वालियर में। अगला सवाल है आपका 162 नंबर कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? झांसी, कानपुर, लखनऊ या फिर मेरठ? तो सिपाही बगावत जो ये शुरू हुई थी वो हो जाएगा मेरठ से। अगला प्रश्न है 163 नंबर कि भारत कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो ब्रिटिश से जो प्रत्यक्ष शासन के अधीन जो आ गया था, आंसर हो जाएगा आपका 1858 में, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट चलते हैं आपका 164 नंबर कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो मणिकर्णिका किसका नाम था मेरे भाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मणिकर्णिका। यहाँ पर आपका ना इतना अच्छा से रिवीजन हो जाएगा, है ना, इसको आप एक बार फटाक से देख लीजिए, सारा याद हो जाएगा आपको। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? और सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो बेलूर मठ जो है
आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल में है आपका बेलूर मठ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 166 नंबर प्रश्न, कि बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उस दुकान का नाम क्या था। तो देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो उस दुकान का नाम बताना है आपको क्या था। ए बी सी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन देखिए आपको नीचे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी कि बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला सवाल है आपका 167 नंबर, कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया। तो ऑप्शन देखिए और इसका जल्दी से जवाब दीजिए। रामकृष्ण मिशन जो गठित किया गया था वो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा, है ना, आंसर नंबर ए स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला सवाल है आपका 168 नंबर प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो ये इसके खिलाफ प्रचार कौन किया था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया था, यानी कि खिलाफ इसका प्रचार किया था। अगला प्रश्न है 169 नंबर सॉरी, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय नवजागृति का जो जनक माना जाता है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल देखिए 170 नंबर प्रश्न, 170 कह रहा है कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो 1893 में किसने किया था, जो अमेरिका में हुआ था आपका धर्म सम्मेलन जो हुआ था, तो इसमें जो किए थे आपको सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने किए थे, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 171 नंबर, की भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए आंसर नंबर सी, यानी कि बॉम्बे में किया गया था 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 172 नंबर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो थे वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 173 नंबर, कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो गठन किया था वो किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 174 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, आंसर नंबर सी। आपको जवाब क्या देना है, कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये कैवे अध्यक्ष थे, है ना, कितने नंबर के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 175 नंबर, कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि जे बी कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 176 नंबर, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था। तो 1885 में जब गठन हुआ था कांग्रेस का उस समय गवर्नर कौन था, तो वो था आपका डफरिन, लॉर्ड डफरिन, यानी कि ये डफर था, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला है 177 नंबर, की स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि इंदिरा गांधी। ये देखिए स्वतंत्र भारत में कह रहा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये स्वतंत्र भारत में कहा जा रहा है ना, और सिर्फ कहता कि पहली तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्वेश्चन पर आपको निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 178 नंबर, कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो स्वतंत्रता से पहले कौन थी, और वो कह रहा है कि भारतीय पूछा जा रहा है ना, क्योंकि जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय नहीं थी, यहाँ पर भारतीय लगा दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट, सॉरी यहाँ पर देखिए भारतीय नहीं है दोस्तों, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा हुआ ना, पहली महिला ही सिर्फ यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया। तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, है ना, स्वतंत्रता से पहले वो जो थी वो थी एनी बेसेंट, अगर भारतीय लगाता तो फिर यहाँ पर हो जाता आपका दूसरा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ ही जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं उसको। प्रश्न कह रहा है 179 नंबर,
कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो आपको पता है ए वो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट देखिए आपका 180 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी 1885 में। अगला सवाल 181 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा हुई थी वो हो जाएगा आपका 7 अगस्त 1905 ईस्वी में, है ना, स्वदेशी आंदोलन, और इसी समय हुआ था आपको बंगाल का विभाजन। अगला सवाल है आपका 182 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था वो 1885 ईस्वी में किया गया था, ए वो ह्यूम के द्वारा, महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में किया गया था। 183 नंबर है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905 में, इसका जो आदेश दिया गया था वो दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन, इसका जो शासनकाल था कर्जन का 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक था। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 184 कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का जो आदेश दिया था वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने ही दिया था। अगला सवाल 185 नंबर कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो नई दिल्ली को जो राजधानी बनाई गई थी 1911 ईस्वी में ये बनाया गया था। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला है 186 नंबर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 187 नंबर प्रश्न, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ तो आप लोग को भी थोड़ा सा फास्ट चलना है, और ज़्यादा ही फास्ट है तो उसको स्लो भी आप यहाँ पर जा कर के, तीन डॉट दिया हुआ रहता है वहाँ पर आप सेटिंग में जा कर के स्लो कर सकते हैं। 187 नंबर है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो बताइए जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब आई थी भारत में 1911 में, तो उसके मतलब कि स्वागत के लिए एक पर्यटन स्थल बनाया गया था। वो जो पर्यटन स्थल था दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में पड़ता है आपका, ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ है? तो वो है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका 188 नंबर प्रश्न कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो वो था आपका कलकत्ता। अब इसको नाम हो गया है कोलकाता, पहले था कलकत्ता, कलकत्ता से ही दिल्ली स्थापित किया गया 1911 में। 189 नंबर है कि 1915-16 में स्थापित होम रूल लीग निम्न में से किसकी सहायक इकाई के रूप में काम करता है? तो 15-16 में होम रूल लीग सहायक के रूप में जो काम करता है 1900, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि आंसर नंबर बी। और दोस्तों एक आवश्यक सूचना ये है कि लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आने जा रहा है, और लाइब्रेरियन के लिए अगर आप लाइब्रेरी का डिग्री लेना चाहते हैं, लाइब्रेरियन आप करना चाहते हैं, तो 2020-21 सेशन में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जो लोग अगर करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं 20 तारीख तक, यानी कि 20 अगस्त तक आपके पास समय है, है ना, 20 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7857824310। अब देखिए लाइब्रेरियन तो है ही, इसके अलावा भी अगर किसी डिग्री, कोई अदर डिग्री अगर आप डिस्टेंस से लेना चाहते हैं, घर बैठे अगर लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको हो जाएगा। जैसे एमए का लेना है, ग्रेजुएशन का लेना है, कोई और अदर डिग्री लेना है, तो वो भी आपको घर बैठे आपको डिग्री मिल जाएगा, और 100% है उसका वैलिड है, है ना, सभी जगह उसका मान्यता दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 190 नंबर प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग आंदोलन के जो संस्थापक थे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, यानी कि एनी बेसेंट, है ना, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए काकोरी कांड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है काकोरी कांड, जो ये ट्रेन डकैती हुआ था आपका, है ना, ये किस वर्ष हुआ था और किसने किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 1925 में हुआ था आपका, और किसने किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करना है। अगला सवाल है आपका 192 नंबर
कह रहा है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का कौन सा सदस्य नहीं था, तो आपका हो जाएगा नाना साहब इसका सदस्य नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, है ना। सॉरी थोड़ा सा गला फंस रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न है 193 नंबर की, इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, है ना। लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था, तो वो कौन सा आंदोलन था दोस्तों, तो वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका 194 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो स्थापना किया गया था ये हो गया भगत सिंह के द्वारा, है ना, हमारे भगत सिंह जाबाज सिपाही के द्वारा ये किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 195 नंबर, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। तो असेंबली बम कांड में जो फेंके थे, है ना, तो इसके जो मुख्य आरोपी थे भगत सिंह के साथ में जो थे वो थे आपके बटुकेश्वर दत्त, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 196 नंबर, 196 है कि वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला, है ना, तो आपको पता होगा भारत कोकिला किसे कहा जाता है, भारत कोकिला के नाम से वो जानी जाती है, तो भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है वो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, कॉमेंट करके बताइए जल्दी से, स्वर कोकिला, ये तो हो गया आपको भारत की कोकिला ना, ये है स्वर कोकिला, तो वो अलग है। चलिए अगला है 197 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। तो चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था, वो कौन थे जो भाग लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रीति लता वाडेदार, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 198 नंबर प्रश्न की, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं था, तो वो कौन था, कौन नहीं था जो आपको ब्रिटिश के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है 199 नंबर प्रश्न, 199 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। तो भारत के बाहर किस संगठन की स्थापना नहीं की गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था, आंसर नंबर सी। अगला है आपका 200 नंबर प्रश्न, 201 नंबर प्रश्न है और आज का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इसके बाद हम लोग कल आगे देखेंगे 201 से आगे देखेंगे कहाँ तक, तो 300 तक देखेंगे, यानी कि अब डेली 100 प्रश्न हम यहाँ पर करते चलेंगे, फटाफट रिवीजन होते चले जाएगा, यानी कि 30 से 40 मिनट में आपका पूरा 100 क्वेश्चन रिवीजन, है ना। चलिए तो 200 नंबर का फटाक से इसका जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दिया था। बताइए निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दिया था, बताइए दोस्तों, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, खुदीराम बोस, आंसर नंबर ए। और आज का सवाल है आपके स्क्रीन पर, चलिए इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और ऊपर भी मैंने आपको 2-3 सवाल पूछा है उसका भी जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि आज 3 सवाल का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और मैं कल आऊँगा तो कल इसका जवाब मैं आप सभी को दे दूँगा। देखिए 201 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या किया था। तो किसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथी ने जॉन सैंडर्स की हत्या किया था, ये ब्रिटिश अधिकारी था, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा, और अगर आप देखिए दरोगा बिहार दरोगा का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा टेस्ट कराया गया है, फुल टेस्ट 35 है ना 35 लगभग टेस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और सारा टेस्ट आपको पूरा विस्तार से आपको करवाया गया, वहाँ जाकर आप टेस्ट दीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे,
और इसके अलावा जो लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी आने वाला है उसका भी तैयारी करवाएंगे। सीटेट की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, उसका आएगा तो उसका भी आपको तैयारी करवाया जाएगा। ये जो अभी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं ये आपको सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये रामबाण है। इसको आपको एक बार दो बार रिवीजन फटाफट कर लीजिए, अगर स्लो लगता है तो फास्ट कर लीजिए, है ना, सेटिंग में जाकर के फास्ट करके फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिए। स्लो लगता है तो इसको फास्ट लग रहा है तो इसको स्लो कर लीजिए, ठीक है, और इसको फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ये काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा। चलिए तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, अच्छा से रहिए, धन्यवाद।